नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत एक काफी डाइवर्स देश है, विविधता भरा देश है, जहां पर आठ धर्म जो कि पूरे विश्व में फॉलो किए जाते हैं, वो सभी आठ धर्म भारत में भी फॉलो किए जाते हैं। विच मीन्स वी हैव ह्यूज रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो। एट द सेम टाइम हम एक सेक्युलर या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है और ना ही देश या सरकारी किसी एक धर्म को प्रोत्साहित तो करेंगे और दूसरे को इग्नोर करेंगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं हम। लेकिन यहीं पर अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के मुद्दे की बात करें तो ये काफी ज्यादा सीरियस मुद्दा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक पिटिशन गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन इज अ वेरी वेरी सीरियस इश्यू। चलिए, क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं। तो एक बेंच है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जो हेयर कर रही थी पिटिशन जो कि फाइल की गई है बाय एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जिनका मुद्दा या जो ये चाहते थे कि केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिए जाएं, केंद्र सरकार को और राज्यों को भी, कि वो स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लें ताकि वो कन्वर्जन्स को चेक कर सकें व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस कन्वर्जन्स। ठीक है, ये पिटिशन गई। क्या पूरा मुद्दा है सबके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 1 PM प्लस कोर्स प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NGLIVE10। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 25 नवंबर यानी अगले 2 दिन और आपको ये स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है आपके 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप 24 में एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो अभी जाइए और इस बेनिफिट का लाभ उठाइए, अर्ली बर्ड डिस्काउंट का लाभ उठाइए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NGLIVE10। बेनिफिट क्या है मैम आपके कोड का, देखिए आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको मेरा समर्थन भी मिलेगा आपकी तैयारी में। चलिए, तो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन को काफी सीरियस, और ये भी कहा गया है कि ये देश की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये राष्ट्र की जो फ्रीडम है, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कंसाइंस है, मतलब हम अपनी मर्जी से जो हम चाहते हैं वो धर्म हम पालन कर सकते हैं, उसको भी ये प्रभावित करता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पिटिशन को सुनते हुए कहा और सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप आइए और समझिए, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और आप बताइए कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसको टैकल करने के लिए काफी सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स की आवश्यकता है। ये जो इश्यू है विद रिस्पेक्ट टू द एलिज कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, ऐसा माना गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि धार्मिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है फोर्सफुली, ऐसा माना गया है कि ये करेक्ट है और सही है और ये काफी सीरियस इश्यू है, जिससे देश की सुरक्षा और फ्रीडम दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ये बेटर होगा कि यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जल्दी ही से ही अपना स्टैंड क्लियर करें और बताएं कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं इस समस्या से को संभालने के लिए, इसको टैकल करने के लिए। ठीक है, जहां पर जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, फोर्स कन्वर्जन होते हैं, जबरदस्ती वाले जो कन्वर्जन है, मतलब या तो फोर्स के द्वारा या लालच से या फ्रॉडलमेंट मीन्स के द्वारा, फ्रॉड से जो किए जाते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। इस संबंध में मैं बता दूं आपको कि कोर्ट ने ये सब बातें कब कही हैं, जब ये कोर्ट जो बेंच है वो एक पिटिशन की सुनवाई चल रही थी, जहां पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी निर्देशित करने के लिए ली गया है कि उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए इस तरह के जो फोर्स कन्वर्जन्स हैं या लालच देकर जो कन्वर्जन्स होते हैं या फ्रॉड के थ्रू जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको रोकने के लिए। यहाँ पर सेंटर से कहा गया कि अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं फाइल किया गया, ऐसा भी कहा गया, काउंटर क्यों नहीं दिया, ये सब बातें वहां पर हुई हैं। चलिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र की तरफ से ये पूरे केस में थे, उनको कहा कि काफी सीरियस है और सिंसियर एफर्ट्स इसमें लगेंगे केंद्र सरकार की तरफ से इन कन्वर्जन्स को रोकने के लिए। नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू फ्रीडम देता है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन्स ऐसी किसी इस तरह की कोई फ्रीडम नहीं दी गई। आपकी चॉइस है, आप धर्म को मानना चाहते हैं, आप धर्म को नहीं मानना चाहते, आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, किसको नहीं मानना चाहते हैं, हमारी चॉइस है, इट इज इंडिविजुअल्स चॉइस अंडर आर्टिकल 25।
आप मन मर्जी से, अपनी इच्छा से आप किसी और धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये अलाउ किया गया है संविधान में, लेकिन जबरदस्ती लालच देकर या फ्रॉड के तरीके से कन्वर्जन करना संवैधानिक नहीं है, इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो इशू है इसको संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे संविधान का गठन किया, वहां पर भी डिबेट किया गया था, जब ये कहा गया कि कन्वर्जन बीइंग रेफर टू एज प्रोपोगेट। कन्वर्जन मतलब ऐसा होता है ना कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की धार्मिक मान्यताओं को सुनकर उससे आकर्षित होकर हम चाहते हैं कि अपना धर्म परिवर्तित करें, क्योंकि हम प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने धर्म को। इस प्रोपोगेशन को लेकर भी काफी डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये तो कन्वर्जन के लिए ही किया जा रहा है, लोगों को लिए और किया जा रहा है, बट प्रोपोगेशन इज मेरी चॉइस है, अगर मुझे वो समझ में आ रहा है और मैं उससे अलाइन करती हूँ, मुझे वो चीज बिलीव, मेरा बिलीफ है उस चीज में, तो मैं कन्वर्ट हो सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती लालच दे तो वो गलत होगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन बाय चॉइस एंड कन्वर्जन बाय फोर्स की बात हो रही है, फोर्सफुल कन्वर्जन को डिनाई किया गया है और एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के लिए स्टैंड या इसी के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने हैं, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। नाउ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कुछ लॉज लेकर आए हैं अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन, कुछ राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपहेल्ड भी किया है कि ये ठीक है, संवैधानिक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां लोगों को चावल एक्सेट्रा दिए जाते हैं, मतलब उनको लालच दिया जाता है टू कन्वर्ट, स्पेशली इन द ट्राइबल एरियाज, तो ये नहीं एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। द कोर्ट आज सेंटर टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स बाय 22nd, कल तक रिस्पॉन्स की बात की गई थी और 28 नवंबर को इसकी अगली हियरिंग होने वाली है, जिस पर डेफिनेटली हम आगे भी बात करेंगे। नाउ पेटिशन यहाँ पे एक डिक्लेरेशन की बात भी करती है फॉर द फ्रॉडलमेंट रिलीजियस कन्वर्जन, मतलब ये है कि भाई डिक्लेरेशन है इसमें कि फ्रॉड के द्वारा भी कन्वर्जन हो रहे हैं, चाहे वो इंटिमिडेशन से हो, डरा धमका कर हो, थ्रेटन करके हो, डिसीव करें गिफ्ट देकर या मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर, ये सभी चीजें ऑफेंड करती हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी चॉइस एंड 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पर डायरेक्शंस ली गई हैं कि स्टेप्स लिए जाएं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, और साथ साथ डायरेक्शन दी जाए लॉ कमीशन को भी। इस पिटिशन में लॉ कमीशन को भी डायरेक्ट करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप उनको भी डायरेक्ट कीजिए और कहिए कि वो एक रिपोर्ट तैयार करें, एक बिल लेकर आए टू चेक रिलीजियस कन्वर्जन्स जो कि इंटिमिडेट करके या मॉनेटरी बेनिफिट्स के द्वारा किए जाते हैं, मतलब इंटिमिडेट करके हावी होकर दूसरे इंसान पर उसको छोटा दिखाकर या इंटिमिडेट करके, ठीक है, वही मॉनेटरी बेनिफिट्स देके लालच के द्वारा। पिटिशन ने कहा कि हर हफ्ते बहुत सारे इंसिडेंसेस रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे देश में जहां पर कन्वर्जन इंटिमिडेट करके, थ्रेटन करके या गलत तरीके से गिफ्ट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स के द्वारा इस तरह से किए जाते हैं। साथ साथ नॉट जस्ट दिस, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन और मिरेकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है लोगों को एक तरह से डिसीव करने के लिए, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, तो ये भी काफी सीरियस मुद्दा है। बट द सेंटर हैज नॉट टेकन एनी स्ट्रिंजेंट स्टेप्स टू स्टॉप दिस मेनेस, और सेंटर ने अभी तक इसको रोकने के लिए कुछ कड़े कदम नहीं उठाए हैं, तो केंद्र सरकार से बेसिकली कड़े कदम उठाने की तरफ एक तरह से डायरेक्शन दिए जाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया और 28 तारीख को उस पर क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस प्ली के द्वारा पॉइंट आउट किया गया था 1977 का रूलिंग भी, जो कि रेव स्टेनिसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 25(1) क्लॉज 1 गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस या कॉन्शियस, दैट मींस कि हमारी जो इच्छा है, हमें जो सही लगता है हम वो करेंगे, हर नागरिक को ये मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है किसी एक रिलीजन के फॉलोअर्स को ऐसा कहा गया, इट इज फॉर एवरी सिटीजन इसका, एंड इन टर्न इट पोस्टुलेट दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वन्स ओन रिलीजन। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित कर लो, सबकी अपनी इच्छा शक्ति है, सबको पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो एक धर्म से दूसरे धर्म में, ठीक है। दिस इज बिकॉज ए पर्सन पर्पजली अंडरटेक्स द कन्वर्जन ऑफ अनदर पर्सन टू हिज रिलीजन, जानबूझ के ऐसा कर रहा है व्यक्ति कि वो कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो जाए उसके धर्म में, तो वो डिस्टिंग्विश किया जाएगा फ्रॉम हिज एफर्ट टू ट्रांसमिट और स्प्रेड द टेनेट्स ऑफ हिज रिलीजन।
वो अलग होगा, वो प्रोपगेशन से अलग चीज होगी, मतलब वो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, पर्पसली ऐसा किया जा रहा है, ना कि कोई व्यक्ति आपकी जो प्रोपगेशन है, आप जो बता रहे हो धर्म के बारे में, आप जो चीजें शेयर कर रहे हो उससे प्रभावित होकर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट वुड इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कॉन्सेंस गारंटीड टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो वो कहीं ना कहीं नागरिकों की जो स्वतंत्रता है अपनी इच्छा की, उसको प्रभावित करेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में पहले भी कहा जा चुका है, स्प्ली ने इसको पॉइंट आउट फिर से किया है। सो वी हैव टू वेट फॉर 28th नवंबर नाउ टू सी व्हाट हैपेंस इन द केस फर्दर एंड वी विल कवर इट अप अगेन। दोस्तों 24 तारीख से बैचेस हमारे शुरू हो जाएंगे, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आरंभ शुरू हो रहा है विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसी के साथ एक्सपीडिशन बैच इंग्लिश में शुरू हो रहा है विद अगेन द टॉप एजुकेटर्स हियर। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद नो कॉस्ट EMI, 0% EMI, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको यहाँ पर। लास्ट माइल विच इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLIFE10 और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर कर दीजिए। कम्पीट इज नाउ लाइव, गो चेक योर परफॉर्मेंस और साथ साथ देखिए कहाँ आप स्टैंड करें और प्राइजेस भी जीतिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।